नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा, आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के आए हुए नए अपडेट के बारे में। LIC समय समय पर अपने में बदलाव करते हुए आया है। अब LIC ने एक नई घोषणा की है, या फिर ये कहूं कि LIC ने अपने कस्टमर को एक नई सुविधा दी है कि वो अपने घर बैठे आसानी से मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी में पैन कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा है या फिर 50,000 रुपए है और आपके पॉलिसी में पैन कार्ड रजिस्टर नहीं है तो आप अपने पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको पॉलिसी में आपका पैन कार्ड नंबर रजिस्टर होना जरूरी है, जिससे आपके जो 50,000 या 50,000 के ज्यादा का प्रीमियम है उसका भुगतान आप आसानी से कर पाए। पॉलिसी में पैन कार्ड नंबर अपडेट करने के लिए आपको पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी और साथ ही एक लेटर लेके LIC के ब्रांच में जाना होता था। उसके बाद LIC ने अपने आप को थोड़ा अपग्रेड किया और कस्टमर के लिए एक LIC कस्टमर एप्लीकेशन का शुरुआत किया, जिसके थ्रू आप पैन कार्ड नंबर अपडेट कर सकते थे पॉलिसी में। अब LIC ने इस स्टेप को और भी आसान बना दिया और आप घर बैठे LIC पॉलिसी में पैन कार्ड नंबर रजिस्टर कर पाएंगे, वह भी सिर्फ LIC की वेबसाइट पर जाकर बिना किसी लॉगिन के। मतलब यहां पर आपको अपना पॉलिसी नंबर डाल के लॉगिन नहीं करना है, यहां पर सिर्फ आपको पॉलिसी नंबर और पैन कार्ड नंबर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही अपडेट करना है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से पैन कार्ड नंबर पॉलिसी में ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं LIC की वेबसाइट पर। दोस्तों, हम आ गए हैं गूगल क्रोम के पेज पर। हमें यहां पर टाइप करना है LIC ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जो फर्स्ट पेज आएगा, जो फर्स्ट नाम आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे ऑनलाइन सर्विस में ऑनलाइन पैन रजिस्टर, जहां से आप पैन नंबर अपनी पॉलिसी में रजिस्टर कर पाएंगे, तो इस पे क्लिक करना है। आपको यहां पे 3 अटेंशन दिखाई देगा, जिसमें पहला अटेंशन है कि अगर आप अपनी पॉलिसी में पैन नंबर रजिस्टर करने जा रहे हैं तो जो भी पॉलिसीज हैं, आपकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसी का नंबर का एक लिस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ में आपके हाथ में पैन कार्ड भी होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें LIC द्वारा एक OTP आसानी से आ सके। एक बार सबमिटिंग के बाद, मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद, LIC द्वारा सक्सेस रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट मैसेज भी आपको शो हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पॉलिसी में, वो आपको यहां पर टाइप करना है। उसके बाद आपका जेंडर, ईमेल आईडी में जो आपने पॉलिसी में दिया है वो ईमेल आईडी, या तो फिर अगर आपने ईमेल आईडी नहीं दिया है तो आपका जो भी ईमेल आईडी है आप यहां पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना है और पैन कार्ड पे नाम क्या है उसके आधार पर आपको यहां पर पूरा नाम डालना है। दोस्तों, जो मोबाइल नंबर में आसानी से OTP आ सके, या फिर एज पर आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड में आपने जो नंबर दिया है वो आप यहां पर डाल दीजिए। फिर आपको यहां पर पॉलिसी नंबर डालना है। एक साथ दोस्तों, आप कई भी पॉलिसी नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे पॉलिसी है तो यहां पर मैंने ऐड किया पॉलिसी नंबर। अब मैं एक दूसरा पॉलिसी नंबर भी ऐड करता हूं। फिर दोस्तों, कंसेंट पे क्लिक करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं पैन के रिगार्डिंग। यहां पर जो कैप्चा दिया हुआ है उसे फिल करना है। गेट OTP पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहां पर आपको OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पर। आपको वो OTP डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपको OTP नहीं आता है तो आप यहां पर रिसेंट OTP कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मुझे OTP आ गया तो मैं सबमिट कर देता हूं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर पैन रजिस्ट्रेशन रिसीव, मतलब मेरे पॉलिसी में पैन कार्ड नंबर रजिस्टर करने के लिए उनके पास ये चला गया है। तो अगर आप दूसरे का किसी करना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट अगेन कर सकते हैं। सेम डिटेल यहां पे आपको वापस कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, यह था कि LIC पॉलिसी में किस तरह से पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पर आपने देखा होगा कि LIC ने काफी इस सुविधा को कितना आसान बना दिया है कि हर एक व्यक्ति चाहे तो अपनी पॉलिसी में आसानी से घर बैठे अपना पैन कार्ड नंबर रजिस्टर कर सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।